हाय, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और आपका आईपीएल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट पंप के बारे में। हीट पंप होता क्या है और आप देख रहे हैं रिकॉर्ड का हीट पंप है ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं। ये है स्टोरेज टैंक, हीट वाटर गर्म पानी रखने के लिए, और ये है इसका मशीन जो पानी को हीट एक्सचेंजर करता है। और हम लोग दिल्ली से हैं और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है रिकॉर्ड का हमारे यहाँ। तो हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन कि हम लोग वर्किंग कैसे करते हैं और इसको लगाते कहाँ हैं। बेसिकली हीट पंप जो होता है ये सेंट्रलाइज लगता है, ओवर टैंक के पास लगता है, और वहाँ से गर्म पानी का सप्लाई हम पूरे बिल्डिंग में देते हैं। जितने भी नंबर ऑफ बाथरूम्स हो, किचन हो, या जहाँ भी आप गर्म पानी यूज़ करना चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जो वर्किंग होता है हीट पंप का वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देख रहे हैं ये आउटडोर होता है और इसके अंदर कंप्रेसर बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है, और जो जितने भी बाहर के एटमोसफेयर गर्म हवा को ये खींचता है और उसके थ्रू हीट एक्सचेंज करता है और इससे डेवलप करता है गर्म पानी, और डेवलप करके फिर जो ये आप टैंक देख रहे हैं इसमें गर्म पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ से हमारे गर्म जो ऊपर बेसिकली हम लोग क्या होता है, हर एक बिल्डिंग में पहले ठंडा लाइन डलता था जिसको हम लोग कोल्ड लाइन कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं, और इसके अलावा अब हम लोग बिल्डिंग में गर्म लाइन भी डलता है। जो एक गर्म लाइन डलता है उसको हम लोग वापस रिटर्न लाइन भी ऊपर लाते हैं ताकि रोटेशन पानी का बना हुआ रहे, और सेंट्रलाइज वाटर जब जाता है यहाँ से नीचे बिल्डिंग में हर एक जगह टच करते हुए तो वो एक रिवर्स लाइन के थ्रू भी वापस भी आ जाता है ताकि पूरे घर के बिल्डिंग के लाइन में गर्म पानी बना हुआ रहे। और जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं ये जो टैंक है स्टोरेज टैंक, हीट वाटर टैंक, इसके ये जो इसका इनर, ये थ्री लेयर का टैंक होता है। इनर लेयर होता है एसएस में स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में, 2 mm का थिकनेस होता है, और एक बीच में रॉक वूल होता है, फिर आप देख रहे हो ऊपर से एक शीट होता है, ग्लैमराइज शीट होता है, और ये प्रॉपर स्टैंड पे इस तरीके से ही फिटिंग होता है सारा सिस्टम। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ इनपुट और आउटपुट है ये हीट पंप में। पानी पहले इनपुट होता है सिस्टम में, फिर आउट होता है, आउट के थ्रू वो हमारा इस टैंक में जाता है, और इस टैंक से जो हमारा इनपुट होता है इस टैंक में और इसके थ्रू आउटपुट होता है पूरे बिल्डिंग में सप्लाई जाता है। और आप देख सकते हैं ये डिजिटल मीटर है, इस डिजिटल मीटर पे हम लोग सेट करते हैं कितना टेम्परेचर का हमें पानी चाहिए। जो हमारा एटमोसफेयर बेस है वो हमारा 55-60% के अमाउंट में हमारा गर्म पानी देता है, और इसके बाद अगर आपको चाहिए होता है एलिमेंट बेस सिस्टम काम करता है ये, जो 75 तक, जैसे कि दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, इन टाइमों पे क्या होता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है वो 5-6 degrees पे रहता है, इसलिए हम लोग इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे ले जाते हैं ताकि हमारा पानी हमेशा एक अच्छे लेवल पे हमें गर्म पानी मिलता रहे। और इसके अलावा जो सिस्टम है हीट पंप ये सेंट्रलाइज लगता है, और जो सिस्टम का वर्किंग होता है वो जहाँ तक हम बात करेंगे बिजली का, जो पावर का, तो जैसे हम लोग को एक गीजर यूज करते हैं तो वो 100% पावर कंज्यूम करता है, बट ये जो हीट पंप है, लोग क्यों लगा रहे हैं हीट पंप, क्योंकि ये पावर सेविंग सिस्टम है, ये ओनली 30% पावर यूज करता है, 70% पावर सेविंग सिस्टम है। ये जो रिकॉर्ड ब्रांड है ये इटली का ब्रांड है और अच्छा खासा मार्केट है रिकॉर्ड का आज के डेट में। और जो सिस्टम होता है हम लोग प्रॉपर गाइड कराते हैं चीज़ों के बारे में, कैसे लगाना है, क्या करना है, और किसी भी तरह का कोई कंसल्टेंसी चाहिए या गाइड करना हो किस तरह से पाइपलाइन डालना है उसके लिए हम लोग सारा गाइड करते हैं कस्टमर को शुरू से लेके कि कैसे करना है, क्या करना है। और कोई किसी तरह का कोई हो किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।